सिवनी जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिनी पंजाब कहलाने वाले केवलारी विधानसभा क्षेत्र के आसपास भयानक तूफान के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि के चलते किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि वहीं किसान प्रदेश सरकार की ओर आस लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द उनकी फसल का मुआयना करने के लिए राजस्व अधिकारियों को खेतों तक पहुँचाया जाएगा और फसल की बीमा राशि मिलेगी, इसके लिए किसान गुहार लगा रहा है। वहीं केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कानीवाड़ा, भोमा, पलारी क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा किया। विधायक के साथ तहसीलदार, आरआई, पटवारी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। प्रशासनिक अमले के साथ किसानों के बीच पहुंचे विधायक पाल ने खेतों में पहुंचकर विगत दिवस हुई बारिश और भीषण ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेकर किसानों को जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया है। देखिए, मैं कल से जो है ओला पीड़ित क्षेत्रों में, कल मैं जब पलारी में था तब मेरे सामने ही जो है ओलावृष्टि प्रारंभ हुई थी। उसके बाद जो है पलारी के लगभग 8-10 गांवों का मैंने तत्काल दौरा किया था। तब तो ऐसा लगता था कि हम कहीं बर्फीले क्षेत्र में आ गए हैं, इस तरह का महसूस होता था। फसलों का जो है 100% नुकसान हुआ है। इस घड़ी में वो किसानों के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे और उन्होंने सभी कलेक्टर और शासकीय अमले को जो है निर्देशित किया है, जिसके फलस्वरूप शासकीय अमला जो है लगातार जो है अपने सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहा है और फसलों की नुकसानी का आकलन करके, नुकसानी भी लगभग जो है 100% समझ में आती है, नुकसानी करके जो है उनके मुआवजा जो है, उनकी जो राहत राशि जो है उसको उपलब्ध कराएगा। 4.5 एकड़ का मेरा सिर्फ रकबा है जिसमें मेरी पूरी गेहूँ की बोनी हुई थी। यूरिया और डीएपी की सोसाइटियों में मिल नहीं रही थी। 2000 रुपये बोरी डीएपी खरीदे, 400 रुपये बोरी यूरिया खरीदे, ऐसे अन करके हमने बोनी की। आज हमारी फसल तैयार थी, बाले निकलने वाली थी, लेकिन आज स्थिति हो गई कि पूरी जड़ से आना धराशाही हो गई। तो शासन प्रशासन से हम यही मांग करते कि जल्द से जल्द मुआवजा हमको दिया जाए और उसकी राशि कम से कम 50,000-60,000 रुपये हेक्टर बनना चाहिए मुआवजा की, और बीमा की भी राशि हमारी, हमको बीमा की राशि आज तक नहीं मिलती, क्योंकि पूरा हल्का पिटता नहीं कह देते हैं बीमा कंपनी वाले। इसलिए हम चाहते हैं कि बीमा कंपनी खुद सर्वे करे और खसरा के हिसाब से, और हमको मुआवजा मिलना चाहिए शासन से। और हमारे यहाँ जो फसलें वगैरह है किसानों की, तो गबोट की अवस्था में थी, तो ये पूरी चौपट हो चुकी 100%। इसलिए मैं बीमा कंपनी और शासन से भी अनुरोध करता हूं कि भी अधिक से अधिक बीमा कंपनी भी इसका वो करें, बीमा बनाएं, और शासन से अनुरोध करूंगा कि 100% जो फसल की क्षति हुई है उसका भी मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को प्रदान करने की कृपा करें। जिसमें ओलावृष्टि से हमारी पूरी फसल यहां तब बर्बाद हो गई है। ये फसल जो कि हमारी कुछ में 1-2 महीने बाद कटाई के लिए आ जाती, आज ये स्थिति है कि ये ज़मीन पे मिल चुकी है। हमारा इतना लागत लगा है, 18,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी लागत आई है, और यूरिया डीएपी हमने कहां कहां से व्यवस्था कर करके ये फसल को तैयार किए, और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी हमारी आज फसल जो कि कुछ दिनों बाद कटने को थी। हमारे सारे किसान भाई यहाँ पे जितने भी 7 हल्का नंबर 7 मैरा में जितने भी किस काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी फसल गबोट की स्थिति में थी, बहुत अच्छी थी। 11 तारीख को ओलावृष्टि हुई, इसमें मेरी फसल पूरी चौपट हो गई। मेरी सरकार से निवेदन है कि वो आके निरीक्षण करें, वो फसल को देखें, साथ ही बीमा कंपनी से भी निवेदन है कि वो आके मेरे खेत का जायजा लें, देखें, और खसरा के हिसाब से मुझे उचित जो शासन निर्धारित कर रही है वो आधार पर मुझे मुआवजा या बीमा क्लेम दिए जाएगा।